प्रावलेंस एंड कोमोबिटी ऑफ पैरोमिया प्रावलेंस एंड कोमोबिडिटी की जब हम बात करते हैं पैरोमिनिया में तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो कि एक्सप्लन करना इम्पोर्टेंट है कि ये बहुत थोड़ा साम्पल सेट है जिसके अंदर हमें पता चलता है कि लोगों को पैरोमानिया है ठीक है तो इसलिए एक तो ये अंडर रिसर्च एरिया है तो बहुत ज़्यादा जो डाटा है वो हमारे पास इस पर अवेलेबल नहीं है और तकरीबन जो पापोलेशन प्रावलेंस है वो हमारे पास अननोन है वो इसीलिए क्योंकि एक तो ये बहुत कम इंसिडेंट होते हैं जो सामने आते हैं और जो क्लिनिकल पॉपुलेशन हमारे पास आती है और हमें उसका पता लगता है तो इसलिए एक तो जनरल पॉपुलेशन में हमें इसकी प्रेवलेंस जो है वो नहीं पता ठीक है लाइफ uh, टाइम जो प्रेवलेंस है जो कि uh, कहा जाता है वो रिपोर्ट की जाती है 1.13 परसेंट उन और लोगों के अंदर जो कि क्लिनिकली रिपोर्टेड है इसके अलावा ये प्रेवलेंस जो है ये जेंडर वाइज अगर हम बात करें तो मेल के अंदर स्लाइटली हायर है देन द फीमेल लेकिन अगेन बात वही है कि इसके ऊपर हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा नहीं है इसलिए प्रावलम्स जो है वो एग्जैक्ट फिगर्स uh, के अंदर हमारे पास uh, मौजूद नहीं है फिर जब हम कोमोबिडिटी की बात करते हैं तो कोमोबिडिटी में हम कहते हैं कि ऐसे लोग जिनको एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर होता है बाइपोलर डिसऑर्डर होता है या पैथोलॉजिकल गैम्बलिंग होती है उसके साथ पैरो जो है वो को कर सकता है लेकिन अगेन जब हम कहते हैं कि इन लोगों के अंदर इन डिसऑर्डर्स की कोमोबिटी होती है तो वी नीड टू बी वेरी मच क्लियर अबाउट दिस थिंग कि जो वो फायर सेटिंग कर रहे हैं दैट इज़ आउट ऑफ इम्पल्स दैट इज़ नॉट आउट फॉर एनी एक्सटर्नल गेंस ठीक है, है? यानी अगर किसी शख्स को एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है और वो फायर सेटिंग करता है तो वी नीड टू बी आइडेंटिफाई कि वेदर ये जो फायर सेटिंग वो कर रहा है इज़ दिस हैपन बिकॉज दैट परसन हैज समर्नल गेन और इज इट हैपन बिकॉज द परसन इज़ फीलिंग लाइक ग्रैटिफिकेसन बाय सेटिंग द फायर ठीक है इसी तरह जो सब्सटेंस जूज डिसडर है वी नीड टू बी आइडेंटिफाई कि ऐसा तो नहीं है कि किसी सब्सटेंस को लेने के बाद कोई हलूसिनेशनस uh, उस बंदे को हुए हों या किसी किस्म के डिल्यूजनस उसको हुए हुए हों जिसके रिस्पॉन्स के अंदर उसने फायर सेट किया है ठीक है तो वी नीड टू बी क्लारीफाई कि ऐसा जो है वो किसी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन के अंडर नहीं हुआ और जो फायर उसने सेट किया है वो प्योरली इसलिए किया है क्योंकि वो फायर को सेट करने के बाद ग्रेटिफिकेशन जो है वो फील करता है तो दैट्स वाई ही सेट द फायर इसी तरह जब हम बायोपोलर डिसऑर्डर के साथ इसकी कोमोरबिडिटी की बात करते हैं तो वी नीड टू बी आइडेंटिफाई कि जो उसकी फायर सेटिंग है वो इस वजह से नहीं हुई कि वो यूफोरिक हुआ हुआ था और जो के अंदर उसने हाई स्टेट ऑफ थॉट्स के अंदर जिस तरह फ़्लाइट ऑफ आइडियाज़ उसको बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और उन रशी थॉट्स के अंदर इन्फ्लुएंस हो के उसने आ, जो है वो फायर सेट कर दिया है इस तरह का जो है आ, वो फेनोमेना उसके अंदर नहीं होना चाहिए इसी तरह पैथोलॉजिकल गैम्बलिंग जिस लोगों के अंदर होती है सम टाइम आउट ऑफ रिवेंज आउट ऑफ एंगर दे वॉन्ट टू डिस्ट्रॉय द अदर वन प्रॉपर्टी और इस तरह की जो इम्पल्स हैं उनके अंदर ड्राइव uh, होती हैं तो दे डेट समाइम दैट सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी तो वी ऑल्सो नीड टू बी क्लैरिफाई कि अगर किसी के अंदर पैथोलॉजिकल गैबलिंग है और उसके अंदर हमें दो तीन चार इंस्टेंसेज फायर सेटिंग के भी मिल रहे हैं तो वी नीड टू बी क्लैरिफाई कि उसने वो Uh, जो फायर सेटिंग की थी वो इसलिए की थी बिकॉज दैट बिफोर दैट ही और शी फील्स टेंशन और उसके बाद जब उसने फायर सेट किया तो वो बंदा जो है वो रिलैक्स हो गया एंड अन दै तो दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आपने को मोबिडिटी आइडेंटिफाई करनी है तो यू नीड टू बी वेरी मच क्लियर अराउंड द मोटिव ऑफ सेटिंग द फायर थैंक यू